हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप। और आज हम लोग आप लोगों के लिए एक और बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले व्लॉगिंग चैनल देख लो, उसमें हम लोग बहुत अच्छे लाइफस्टाइल वीडियो बनाते हैं। और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो कि है एक्सपेंसेस इन म्यूनिक, मंथली एक्सपेंसेस इन म्यूनिक, वो हम लोग अंदर चलते हैं और अंदर चल के बनाते हैं दीपक के साथ, क्योंकि ऑफकोर्स हम दोनों के एक्सपेंसेस हैं तो अंदर चलना पड़ेगा उसके लिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो का जो टॉपिक है वो आपको पता चल ही गया है कि एक्सपेंसेस इन म्यूनिक। वीडियो बनाने का मोटिव ये था कि बिकॉज म्यूनिक जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट सिटी है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस, इसलिए हमने सोचा हम फिगर बताएं। प्लस क्योंकि हम यहाँ पर रह रहे हैं दीपक, तो ऑफकोर्स हाँ, क्योंकि म्यूनिक जो है वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट सिटी बोलते हैं उसको जर्मनी की, और हम खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं यहाँ पर रहकर। हमें भी, हम रिसेंटली यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, तो हम आपको ज़्यादा बेटर तरीके से शेयर कर सकते हैं अभी करंट सिनेरियो क्या है, कितना आपका महीने का यहाँ पे खर्चा होगा एज ए फैमिली दो लोगों के हिसाब से, और उससे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। अगर आप अकेले भी आ रहे हैं या फिर आपकी फैमिली में ज़्यादा लोग भी हैं तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं सुरभि। हाँ, शुरू करने से पहले बस एक चीज मैं बता देती हूँ कि मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा है कि यहाँ पर मतलब म्यूनिक में जो है वो एक्सपेंसेस 11.8% ज्यादा है बर्लिन से। तो बिकॉज बर्लिन जो है वो यहाँ का कैपिटल है, तो ऑफकोर्स हम लोग कंपेयर करते हैं कैपिटल सिटी से। एंड प्लस अगर हम रेंट की बात करें तो रेंट जो है वो मेजर डिफरेंस लेके आता है। तो रेंट जो म्यूनिक के हैं वो अराउंड 22.8% ज्यादा है, तो इट्स एक्चुअली वेरी हाई रेंट। रेंट तो सबको पता है बहुत ज्यादा। हाँ, तो अगर आप शौक हो एक सिटी से दूसरे सिटी में शिफ्ट हो, जैसे हम लोग शिफ्ट हुए और एकदम से रेंट ज्यादा हो गए आपके, तो शौक मत होना बिकॉज इट्स द एक्चुअल फिगर। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं दीपक। हमने क्या क्या डिवाइड किया है आज? Okay, तो हम बेसिकली जो बेसिक चीजें होती हैं उस हिसाब से हमने कैटेगरी डिवाइड की है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे रेंट से कि यहाँ पर एवरेज मंथली रेंट कितना होता है। सभी तो एवरेज मंथली रेंट जो है मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले एक बैकग्राउंड बताती हूँ। तो यहाँ पर जो है क्वाड्रेट मीटर के हिसाब से जो है वो रेंट इंक्रीज या डिक्रीज होता है, प्लस जगह किस जगह पर है। तो अगर हम म्यूनिक की बात करें तो म्यूनिक बहुत बड़ा है, लेकिन हम म्यूनिक पूरा म्यूनिक की बात करें तो म्यूनिक में अगर आप 50 क्वाड्रेट मीटर, तो इनिशियली जब आप आते हो तो 50 क्वाड्रेट मीटर का आप घर ढूंढते हो, अगर आप वो लोगे तो वो वेरी करता है फ्रॉम 1200 यूरो टू 1500 यूरो। थोड़ा सा जो म्यूनिक का आउटस्कर्ट है, जो बिल्कुल आउटस्कर्ट नहीं है बट थोड़ा सा आउटस्कर्ट है, वहां पर आपको 1200 में मिल जाएगा 50 क्वाड्रेट मीटर। वेरस अगर आप बिल्कुल मिडिल में रह रहे हो या एकदम वैसे एरिया में रह रहे हो जो अभी अभी डेवलप्ड होना चालू हो गए हैं या ऑलरेडी डेवलप्ड हो गए हैं, तो वहां पर दीपक 1500 यूरो तो मान लो। बेसिकली कहीं भी हो दुनिया में रेंट दो ही चीजों पर डिपेंड करता है, कितना बड़ा अपार्टमेंट है और किस लोकेशन पर हो आप। तो जैसे सुरभि ने बोला ये एवरेज रेंट है 50 मीटर स्क्वायर का 1200 से 1500, और अगर आप इससे ज्यादा बढ़ते हैं तो सुरभि कितना है एवरेज? तो जैसे अगर आप 60 पे चले गए तो या 70 मान लो मैं कि आप 70 क्वाड्रेट मीटर का घर ढूंढ रहे हो, तो वो वेरी करेगा फ्रॉम 1600 टू 2000, मतलब 2000 तक भी जा सकता है। तो आपको मतलब रेंट बहुत ज्यादा, मतलब आप 2000 यूरो सिर्फ रेंट पे दे रहे हो, तो दैट्स समथिंग व्हिच इज रेंट। तो ये जो एवरेज रेंट है जो हमने बताया आपको 1200 से 1550 मीटर स्क्वायर का, और उससे ऊपर अगर 70 मीटर स्क्वायर जाते हो आप तो 1500 से 2000 तक, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। तो हम मान लेते हैं रेंट इज 1500 यूरो जो हम एवरेज मान के चलते हैं। सेकेंड चीज क्या है दीपक, जो मेजर जो है एक्सपेंसेस में काउंट होती है? जो सेकेंड चीज होती है ऑफ कोर्स ग्रोसरी, आप महीने का ग्रोसरी का कितना खर्चा करते हैं, और वो मोर और लेस जर्मनी की दूसरी सिटीज के कंपैरिजन में सेम ही होता है, ज्यादा अंतर नहीं, उन चीजों में अंतर नहीं है कि आप सोचो दूध के पैकेट के, दूध के प्राइस ज्यादा है, सब्जी के प्राइस ज्यादा है, उतना नहीं है। और इवन एक ट्रिक भी है कि अगर आपको पता चल जाए कि कहाँ पर जो है वो चीप है, कहाँ एक्सपेंसेस ज्यादा है, एक्सपेंसिव है कौन से ग्रोसरी मार्केट में, तो उस हिसाब से फिर आपको चीप पे भी कर सकते हो और एक्सपेंसिव। हाँ, तो हम बेसिकली आपको एवरेज बताएंगे, क्योंकि कई लोग हैं जो सिर्फ बायो प्रोडक्ट ही खाते हैं तो भैया वो थोड़ा महंगा होगा, कई हैं जो कुछ मतलब सस्ती जगह से भी, मतलब हर तरह के लोग होते हैं यार। तो अगर एवरेज देखा जाए, एवरेज ग्रोसरी का एक्सपेंडिचर दो लोगों के हिसाब से महीने का होता है 500 यूरो के आसपास। 500 यूरो हम वो बता रहे हैं कि जिसमें आप जो रोज की जो सब्जियां होती हैं वो ले सकते हो, प्लस अगर आपको जो इंडियन स्टोर है उससे सामान लेना है, आटा दाल चावल वगैरह वो भी, तो 500 यूरो दो लोगों के लिए जो है वो इनफ है। अगर ज्यादा लोग हैं तो ऑफकोर्स ज्यादा खर्चा हो जाता है, जैसे अगर आप पूरा
पार्टी ही थ्रू कर रहे हो तो एक बार में 100 यूरो का सामान आ जाता है, वो डिफरेंट चीज हो जाती है। तो रेंट के बाद जो ग्रोसरी है वो मान लो सेकंड आइटम 500 यूरो। थर्ड चीज क्या होती है दीपक जो यहाँ पर एक्सपेंस? जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो है आपका ऑफ कोर्स ट्रांसपोर्टेशन, कि आप जब म्यूनिख में रहोगे, म्यूनिख में आपको ट्रेवल करने के लिए आपको मंथली पास लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, आप ट्रेन या बस से अगर ट्रेवल कर रहे हो, आप कहीं भी रह रहे हो म्यूनिख के किसी भी एरिया में, बहुत अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो पासेस होते हैं वो जोन वाइज होते हैं। जो सिटी सेंटर का जोन है वो एम जोन है, जोन 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे बढ़ता जाता है रेडियस। तो ये मान के चलिए जो पास है मंथली पास वो शुरू होता है 50-60 यूरो के आसपास से और जाता है 160-170 यूरो तक महीने का जोन के हिसाब से। तो हम मान के चलते हैं, ये मान के चलिए करीबन 70-100 यूरो मान के चलिए कि 100 यूरो आपका महीने का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है। और आप वही दीपक ने जो बताया कि मंथली पास लोगे क्योंकि आपको ऑफिस जाना पड़ेगा, तो प्लस वीकेंड पे आपको घूमना है आसपास, तो ये हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन का। इसमें अगर आपके पास कार है तो वो एलिमिनेट हो जाएगी पेट्रोल एंड आपका पार्किंग चार्जेस में, तो पार्किंग बल्कि थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा। हां तो 100 यूरो मान लो, ये तो कितना हो गया 1500 प्लस 500 प्लस 100 तो 2100। इसके बाद जो है वो है आपका इंटरनेट जो इंपॉर्टेंट है, आपको मतलब करवाना ही पड़ता है क्योंकि आप बिना इंटरनेट के आप नहीं रह सकते हो, प्लस होम ऑफिस हो गया और वो सारी चीजें। तो एक इंटरनेट हो गया घर का इंटरनेट प्लस आपके जो मोबाइल है उसका इंटरनेट, फोन का बिल बेसिकली। हाँ, तो इन दोनों का, तो जो घर का इंटरनेट है वो ऑन एन एवरेज वो 50 यूरो होता है, वो डिपेंड करता है 30-50 यूरो पर। अगर आपको अच्छा प्लान लेना है तो 50 यूरो मान के चलो। और जैसे हम दोनों मोबाइल है उसमें डेटा अनलिमिटेड डेटा मंथली हम लोग जो है हमारे प्लान में आता है जो है 25 यूरो के लगभग। तो मतलब 25-25, 50 और प्लस 50 इंटरनेट 100 यूरो ये मान लो। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो क्या है दीपक? जो नेक्स्ट चीज आपकी ऐड होती है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है घर का, और इसके अलावा आपका जैसे कि आप नेटफ्लिक्स या अमेज़न या फिर कोई आप सब्सक्रिप्शन लेके रखते हैं या टीवी वगैरह का, तो उसका मान लो। तो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो 50-100 यूरो रहता है, डिपेंडिंग ऑन यूजेस आप कितना यूज करते हो इलेक्ट्रिसिटी, और प्लस आपका जो सब्सक्रिप्शन है नेटफ्लिक्स अमेज़न का ये अराउंड 20-25 यूरो ये पड़ जाता है। तो हम ओवरऑल सारा एवरेज मान के चलते हैं 100 यूरो। तो ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी प्लस आपके जो एंटरटेनमेंट के लिए है वो, तो टोटल अभी तक आपका हो गया 2300 के, 2300 हो ही गया। इसके बाद जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, अभी तक वो नहीं था अब बट स्टार्ट कर रहे हैं, वो है जिम की मेंबरशिप। तो मंथली जिम की मेंबरशिप, तो मंथली आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो या तो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, मंथली भी कर सकते हो, पर मंथली यहाँ पर म्यूनिक में जो है वो 50 यूरो ऑन एन एवरेज मान लो। अगर आप स्पा वगैरह और अच्छे वाले जिम जाते हो तो वो 80 यूरो टू 100 यूरो भी हो सकते हैं, पर ऑन एन एवरेज ऑफ 50 यूरो मान लो, तो 50-50-100 जो है वो जिम की मेंबरशिप मान लो। उसके अलावा हो सकता है आप योगा करते हो या आपका और कोई हॉबी हो, पर ये एज ए फिटनेस के लिए मतलब नॉर्मल चीज है अगर जिम का आप कैलकुलेट करो तो। तो ये आपका 2400 के आसपास होता है महीने का। और इसके अलावा आप बाहर रह रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो आप मान के चलते हैं हफ्ते में एक या दो बार बाहर खाने रेस्टोरेंट भी जाते हो, या आप ऑफिस में एक आध बार ऑफिस जाते के वहीं से लंच कर लिया आपने, वहीं से कुछ ले लिया, तो उसका अराउंड 350 यूरो महीने का ये मान लो आपका बाहर खाने वाने का। और ये सिर्फ ऐसा कि आप बस वीकेंड पे चले गए तो खा लिया, ये ऐसा नहीं कि आप अलग से ट्रैवल प्लान कर रहे हो या कुछ, ब्रेकफास्ट खा लिया ऑफिस जाते समय, या हम लोग जैसे या कभी डिनर पे चले गए मतलब साथ में, तो ये मान लो आप 350 या 400 यूरो ये मान लो। तो अराउंड 2800 के आसपास आपका जो मंथली बिल बनता है, जो मंथली आपका जो एक्सपेंडिचर बनता है, एवरेज एक्सपेंडिचर मैं फिर से कहूंगा, कुछ लोग ऑफ कोर्स इससे ज्यादा करते हैं, कुछ लोग इससे कम करते हैं, तो ये एवरेज एक्सपेंडिचर है जो आपका 2800 बनता है म्यूनिक के अंदर। और कुछ लोग सुर भी मतलब अगर आप ये भी ऑप्शन होता है आप म्यूनिक से थोड़ा बाहर रहना चाहते हैं, अराउंड 30-40 किलोमीटर या 30 किलोमीटर बाहर चले जाते हैं जहाँ पर आपकी जो ट्रेन कनेक्टिविटी अच्छी है, वो भी लोग ऑप्शन चूज करते हैं, वहाँ पे आपका रेंट थोड़ा कम हो जाएगा, वहाँ पे थोड़ा पैसा सेव कर सकते हैं। पर तो ज्यादातर अगर आप कहीं पर सेव कर सकते हो इन सब चीजों में तो आप बस रेंट पे ही सेव करते हो, तो आप जितनी दूर रहोगे उतना
मतलब 300-400 यूरो जो है रेंट कम होता जाएगा, लेकिन ऑफ कोर्स आप बिल्कुल अपनी सिटी से आउटर में चले जाओगे तो एक वो चीज हो जाएगी। उसके अलावा बाकी सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो इतने डिफरेंट नहीं होते हैं। हाँ, कुछ चीजें हैं जो डिफरेंट हैं, जो यहाँ बहुत एक्सपेंसिव हैं, वो हम कभी और किसी वीडियो में बताएंगे, बट इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ मंथली एक्सपेंसेस, इसलिए हम इस डिफरेंट चीजें हैं। हाँ, इसलिए हम इस वीडियो में नहीं बता रहे हैं। और अगर आप लोग म्यूनिख में रहते हो और आपके एक्सपेंसेस आप बताना चाहते हो मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं एज ए फैमिली, या आपका अगर बच्चा है उसके साथ, तो नीचे जरूर कमेंट करना। और अगर आप नए हो और म्यूनिख आने वाले हो तो कमेंट करना, और कुछ भूले तो नहीं है ना। नहीं, मैं बस ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों के लिए डेफिनेटली एक वीडियो यूजफुल रहेगा, क्योंकि मुझे पता है जब मैं आने वाला था तो ये चीजें, ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि मंथली आप कितना खर्च करो, ताकि आप कैलकुलेट कर सको जो आपको सैलरी मिल रही है उसमें मतलब यूजफुल है या नहीं इधर शिफ्ट होना। तो ये एक एवरेज एक्सपेंडिचर रहे है म्यूनिख के अंदर, जो थोड़ा ज्यादा कॉस्टली है दूसरी सिटीज़ से। मतलब 2800 इट्स टू मच, मतलब अगर तुम हमारा जो वहाँ का सिटी से कंपेयर करो पर तो, लेकिन फिर सैलरीज भी उस हिसाब से म्यूनिख में थोड़ी ज्यादा होती है कंपैरेटिवली। वो है, लेकिन मैं मतलब अब जब सब फिगर्स बताए, नाउ आई एम थिंकिंग कि वहाँ पर जो एक्सपेंसेस थे वो बहुत ज्यादा कम, और दूसरी सर्विसेज भी सस्ती होती है, जैसे हम आगे की वीडियो में बताएंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस का कितना होता है वहाँ पर, यहाँ पर, ये सब चीजों के बारे में। तो hopefully जैसे हमें पता चलता जाएगा हम आपको बताते जाएंगे, पर hopefully ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन काम की रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना, उन्हें भी बताओ भाई जर्मनी में रहना इतना भी सस्ता नहीं है, मतलब ऑन एन एवरेज 2.5 लाख तो सिर्फ एक्सपेंसेस है, सिर्फ एक्सपेंसेस। हाँ, तो ये आप लोग अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना, बाकी जो लोग इंटरेस्टेड हैं जर्मनी आने के लिए, म्यूनिख आने के लिए, उनसे शेयर करना। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा जो ब्लॉगिंग चैनल है जिसमें आजकल हम बहुत ज्यादा बकर करने लगे हैं, वो देखना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।